और तीसरी मैं बात करना चाह रहा हूं वो है हमारे भाषा की। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोलता है, जैसे हम हमारे सेशंस में कई बार इंग्लिश बोलते हैं और हम जानबूझ के हमारे सेशंस में कई बार है ना हमारा जो टॉपिक भी है वो इंग्लिश में देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि लोगों को बड़ा आजकल, हमें तो क्या है, हमें तो धर्म या हमें तो हमारी बात को समझाना होता है, तो हम समझाने के लिए हम अट्रैक्शन यूज करते हैं क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जो इंग्लिश में हो रहा है वो बड़ा अच्छा है। आप देखिए हमारे योगा है ना, योग वैसे तो योग कहते हैं पर हम उसको अब योगा कहने लग गए, है ना। योगा इंग्लिश वर्ड है और योग हमारा प्राचीन वर्ड है। आप देखिए हमारी जो प्राचीन वर्ड तो हमने छोड़ ही दिए, राइट। हमने योग वाली चीज होती है, योग जब अमेरिका में चालू हो गया ना तब हमें लगा नहीं यार ये योग तो बड़ी महान चीज है, हमें भी भारत में फॉलो करनी चाहिए, पर हमारे पास थी हमने कभी फॉलो करी नहीं, है ना। आजकल अभी बात चल रही है, आपको लग रहा होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ा ट्रेंडिंग है, नमन ने हमारे कई सेशन उस पे भी लिए हुए आप लोगों के लिए, है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग अब वो वहां प्रचलित हो चुका है, वहां एकदम फैल चुका है, सारे जिम वाले सारे डाइटिशियन फैल गए, और वही यहाँ पे आके जब हम उपवास की एकादशी के उपवास की बात करते थे हमारे जैन धर्म में पर्युषण के बातों में हम करते थे तो बड़ा पिछड़ावा सिस्टम लगता था। तो ये आप देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारी गुलामी आ गई भाषा, हमारी हमें लगने लग गया है कि जो इंग्लिश हो रहा है, जो इंग्लिश में बोला जा रहा है, इंग्लिश भाषा ही अपने आप में बहुत ऊंची है।